कनाडा अब सीसी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉप फिर से शुरू कर सकता है। आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने संकेत दिया कि वे कनाडा में अस्थायी निवासियों की आबादी की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अधिक घरेलू ड्रॉप आयोजित करेंगे। मंत्री मिलर ने कहा, अस्थायी निवासियों को स्थायी निवास में परिवर्तित करने के हमारे प्रयासों के हिस्से के रूप में हम अपने लिए अधिक घरेलू ड्रॉ रखेंगे और प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रांतों और क्षेत्रों से अपने आवंटन के साथ ऐसा करने के लिए कहेंगे। कनाडाई अनुभव धारकों के लिए कोई विशिष्ट सीसी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ या विशेष नीति स्थायी निवास में कम संक्रमण के कारण अस्थायी निवासियों की आबादी में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में से एक है। मंत्री मिलर की नई टिप्पणी सितंबर 2021 से कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीसी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का इंतजार कर रहे अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों और वर्क परमिट धारकों के लिए आशा की किरण लेकर आए हैं। आव्रजन मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कनाडा में प्रतिभा का एक पूल है जो नहीं है श्रम की जरूरतों से मेल खाता है, इसलिए विदेश जाने के बजाय नियोक्ताओं को पहले कनाडा के अंदर देखना चाहिए। मिलर ने स्नातकोत्तर कार्य परमिट वाले अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों के एक बहुत बड़े पूल का उदाहरण देते हुए कहा कि वे या तो अल्प रोजगार हैं या बिल्कुल भी नियोजित नहीं है। 2021 से कोई सीसी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नहीं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीसी देश के अंदर अस्थायी निवासियों के लिए कनाडा के प्रमुख एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत स्थायी निवास कार्यक्रमों में से एक है, जिनके पास पिछले 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष का कनाडा कुशल कार्य अनुभव है। सितंबर 2021 से पहले नियमित अंतराल के बाद निमंत्रणों का सीसी एक्सप्रेस एंट्री दौर होता था, जिससे कनाडा के बाहर के कुशल श्रमिकों की तुलना में कनाडा अनुभव वाले व्यक्तियों को बढ़त मिलती थी। हालांकि कनाडा ने श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए 2023 में नए लक्षित श्रेणी आधारित एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ पेश किए और कनाडा अनुभवी कुशल श्रमिकों को नजरअंदाज कर दिया।